अकोला के बालापुर तहसील अंतर्गत कौठा में पीने के पानी की भारी समस्या के कारण उस गांव के नागरिक मन नदी के किनारे 3 से 4 फुट गड्ढा खोदकर पीने के लिए पानी निकाल रहे हैं। राज्य सरकार की जल मिशन योजना युद्ध स्तर पर शुरू है। हर नागरिक के घर में साफ एवं शुद्ध पानी पहुंचना ये लक्ष्य है, किंतु अकोला के कौठा के मन नदी के किनारे आज भी ग्रामीण गड्ढे खोदकर उन जीरो में से पानी निकाल रहे हैं। मन नदी में कुआ है किंतु वो पानी पीने लायक नहीं है, ऐसा नागरिकों का कहना है। सुबह जल्दी उठकर किसान मजदूर खेत में जाकर कार्य करते हैं। घर पर आने के बाद भरी धूप में नागरिकों को अपने पैरों को जलाते हुए नदी से 3 से 4 फुट गड्ढा खोदकर जीरो से पानी लाना पड़ता है। इसी कारण कावठा के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 20 वर्षों से ये समस्या इस गाँव में है। सरासरी 20 वर्षापासून समस्या है, कारण नदीतलं पाणी पुरवठा व्यवस्थित होते, पण हे लोक प्यायला तयार नाही, कारण त्याच्यात टाकी धुतल्या जात नाही। त्याच्यामुळे लोकांची म्हणजे कठीण समस्या आहे। 20 वर्षापासून दररोज हे नदीतून सकाळ संध्याकाळ बाहेर पाणी नाही आला। गांव में जाने वाली नदी पर बैरेज निर्माण किए गए हैं और गांव में जलापूर्ति करने के लिए नदी किनारे कुएं भी मौजूद है, किंतु कुओं के पास से ही गांव का पूरा गंदा पानी बहता है। गांव के पानी की टंकी भी साफ नहीं की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण कुएं का उपयोग नहीं करते हैं। कुएं के पानी पर वाटर फिल्टर बैठाया गया तो पानी पीने के लिए उपयुक्त तो हो सकता है। जिस गाँव में बैरेज उस गाँव में पानी का स्तर भरपूर रहता है, किंतु कावठा गाँव के समीप रहने वाले लोहारा में पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से बैरेज का पानी छोड़ा गया है। गांव के हाथ पंपों के पानी का स्तर भी कम हो गया है, जिसके कारण खेत मजदूर छात्र व अन्य सभी को पीने के पानी के लिए नदी किनारे झीरो पर आकर पानी ले जाना पड़ रहा है। हमसे ये बैरेज बांधला, या बैरेज मध्ये पानी होतं पहिले, पण जे तिथं लोहारा इथं पुलाचं बांधकाम झालं ते पानी सोडलं गेलं, तर त्यामुळे आता नदीत पानी नाही, विहिरीला पण सुद्धा पाणी लागू राहिलं, तर त्यामुळे आम्हाला असे गड्ढे खोदून पाणी न्यावं लागते। आता मी शाळेत आहे, शाळेतून घरी येऊन पाणी आणावं लागते, गर्दी असते, पाणी इथंही नाही लागत, तर त्यामुळे खूप त्रास होतोय गावातल्या लोकांना। इस गांव में सरकार द्वारा पानी के लिए उपाय योजना की गई है, किंतु नागरिकों को उपयोगी ना होने का दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा पहले ही दिए गए जलापूर्ति योजनाओं पर आरओ वाटर फिल्टर बैठाए गए होते तो नागरिक कुएं के पानी के पीने का प्रयोग कर सकते और कई सालों से पीने के पानी के लिए होने वाली भागदौड़ रुकेगी। अकोला 24 न्यूज के लिए राजेश अमृतकर की रिपोर्ट। आपके अपने शहर में सभी साइज व डिजाइन के चप्पलों का खजाना, तो फिर दूसरी जगह क्यों है जाना? बच्चे व बड़ों की हर साइज व डिजाइन के चप्पलों का भंडार, कम दामों में अच्छी वैरायटी के साथ, तो एक बार अपने दोस्तों व अपने परिवार के साथ जरूर आए। राज महासेल, इंदौर का लक्ष्य पुत्रा, कोलाबा।